हेलो गाइज, मैं अंजलि कुक एंड ब्लॉग विद अंजलि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है मक्के का रोटी सरसों दा साग विद लस्सी। और सरसों का सीजन भी आ गया है और ये पंजाब की फेमस डिश भी है, तो मैंने सोचा पंजाब की फेमस डिश अब हर घरों में क्यों ना दौड़े, इसलिए मैंने बिल्कुल इजी और आसान रेसिपी के साथ इसे बनाया और आप तक शेयर कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आई होप अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। सरसों का साग बनाने के लिए हमने तीन तरह का साग लिया है, जिसमें बथुआ का साग है, पालक का साग है, सरसों का साग है। इन सभी को बिल्कुल अच्छे से फ्रेश कर लिया है। सरसों का साग थोड़ा ज्यादा मात्रा में लिया है, अच्छे से हम इसको वॉश कर लेंगे। वैसे तो कोरोना के बाद से ही सभी सब्जियों को हम वॉश करके ही रखते हैं, पर इसे उसके बाद भी हम अच्छे से वॉश करके इसे छान लिए हैं। अब हम इसे कुकर में पकाएंगे, तो हमने इसे कुकर में ऐड करना है। तो देखिए कुकर लिए हैं, इसमें हम सारे साग को बिल्कुल अच्छे से पानी को निचोड़ते हुए इसमें ऐड करेंगे। धीरे धीरे करके हमारा कुकर का फ्लेम मीडियम हाई रहना चाहिए ताकि साग हमारा अच्छे से गलते जाए, सारा साग हमारा इस कुकर में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो धीरे धीरे करके साग गलते जा रहा, हम धीरे धीरे करके सारा साग इसमें एडजस्ट कर रहे हैं। साग हमारा बिल्कुल अच्छे से इसमें एडजस्ट हो गया है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, तो हमें इसमें हाफ टेबल स्पून ही नमक ऐड करना है, क्योंकि आधा नमक हमें तड़के के टाइम में ऐड करना है। तो नमक भी ऐड कर दिए, बिल्कुल अच्छे से चला दिए। अब हम प्रेशर कुकर को लगा देंगे, तो हमने लगा दिया है मीडियम लो आंच पे। हमें 10 मिनट से 15 मिनट तक ही इसे पकाना है। हमारा साग बनके बिल्कुल हो गया है रेडी। अब इसे हम स्मैश करेंगे, तो देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से इसे स्मैश कर दिया है। काफ़ी अच्छे से इसे हमें करते हुए स्मैश करने के बाद इसे हम एक बाउल में कर देंगे ट्रांसफ़र। हमने एक बाउल में अच्छे से कर दिया है इसे ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसके तड़के लगाएंगे, तो हमने एक कढ़ाई को गैस पे बैठा दिया। इसमें डालेंगे हम सरसों ऑयल, क्योंकि साग में सरसों ऑयल का अपना फ्लेवर अलग होता है। इसमें हमने जीरा ऐड कर दिया और सूखा हुआ मिर्ची का तो सोंधापन सोंधापन सा टेस्ट आता है, और कटा हुआ ग्रीन मिर्ची, कुटा हुआ लहसुन इसमें ऐड कर दिया। सभी को बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना सरसों का साग। सरसों का साग ऐड करने के बाद देखिए बिल्कुल अच्छे से ये साग हमारा पक गया है। इसे पकने के बाद ये हमारा बिल्कुल सरसों के साग बनके हो गया है रेडी। और रेडी होने के बाद अब हम इसमें कटा हुआ बटर ऐड कर दिए, साग रेडी हो गया। अब इसके साथ खाने वाला हम सलाद को कट करेंगे, तो पहले हमने खीरा को कट कर लिया और इसमें हमने ले लिया है प्याज और टमाटर। अब हम लस्सी तैयार करेंगे, तो लस्सी तैयार करने के लिए हमने दही लिया, उसमें डाल दिया शक्कर, इसे बिल्कुल अच्छे से हम बीट कर लिए। बीटने के बाद हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम बिल्कुल अच्छे से इसे मिला लेंगे और इसे मग्गा में निकाल देंगे। ये लस्सी हमारा बिल्कुल बन के हो गया है रेडी। अब हम मक्के की रोटी बनाने के लिए मक्के का आटा लगाएंगे, तो हमने एक बाउल ले लिया, इसमें फ्रेश मक्के का आटा ले लिया जिसे हमने बिल्कुल अच्छे से चाल के ले लिया है। आप भी इसे चाल के ही ले लो ताकि बिल्कुल फ्रेश आटा हमें मिले, इसका जो एक्स्ट्रा चीज़ हो वो निकल जाए। इसे हमें बिल्कुल हॉट वाटर से डो लगाना है ताकि हमारा जो डो है काफ़ी सॉफ्ट बन के रेडी हो। तो देखिए हमने हॉट वाटर इसमें ऐड कर दिया, स्पून से इसे काफ़ी अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए। इसे हल्का ठंडा करने के बाद हम बिल्कुल हाथों से अच्छे से गूंथेंगे, तो ये हमारा हो गया है बिल्कुल अच्छे से ठंडा। अब हम इसे हाथों से बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा बना के लगाएंगे ताकि हमारा रोटी काफ़ी सॉफ्ट, ऊपर से क्रंची और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट बन के रेडी हो। तो डो हमारा बन के हो गया है तैयार, बिल्कुल हमारा डो सॉफ्ट है। इसे प्लेटफॉर्म पर निकाल के भी हमने काफ़ी अच्छे से इसे गूंथ लिया है। गूंथने के बाद एक छोटा सा इसमें छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसे गोल कर लेंगे, हाथों से चिपटा करके उसे रोटी बना लेंगे। तो रोटी हमारा बिल्कुल बनके हो गया रेडी। इसे अब हम तावा पर डाल देंगे, तावा हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म था और इसमें हमने डाल दिया है रोटी। इसे मीडियम फ्लेम आंच पे हम पकाएंगे ताकि हमारा रोटी अंदर से भी पक के हो गया रेडी। अब इसे हम फुला लेंगे, देखिए हमारी फूगी फूगी सी मक्के की रोटी बनके हो गई है तैयार। सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम दूसरी भी रोटी तैयार करेंगे। ये हर रोटी की अपेक्षा थोड़ा मक्के के आटे का रोटी मोटा होता है, यानी ठीक होता है। अब रोटी हमारा बनके हो गया है रेडी, इसे अब हम करेंगे सर्व। सर्व करने के लिए हमने लिया है मक्के का रोटी, सरसों का साग, लस्सी और सलाद, इसमें डाल दिया है बटर, क्योंकि बटर ही इसका टेस्ट को डबल कर देता है, इसमें चार चांद लगा देता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप भी बनाइए, आपका भी जरूर अच्छा बन के रेडी होगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा।